What's up friends, I hope you all are having an amazing holidays। और ये पहला रैंक मैच है जो मैं खेल रहा हूँ AK-117 लीजेंड्री से, और मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करता हूँ, पहला रैंक मैच है इस गन से। तो अभी जो हॉलीडे अभी पास आया था उसमें DLQ और AK-117 मुझे दोनों मिल गई है, विच इज़ रियली ऑसम। आई थिंक मैंने भी ऑफलाइन खेल के देखा था, इसका बहुत ही कूल सा इफेक्ट है जो किल इफेक्ट है, दैट फ्रीजेस द एनिमीज टू आइस एंड इट ब्रेक्स लाइक। क्योंकि हॉलीडे सीजन है तो मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहा हूँ आजकल, और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये था कि बिल्कुल भी मेरी सेंसिटिविटी एंड एवरीथिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही थी न्यू अपडेट के बाद, बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा था। तो नहीं हुआ। तो अभी मैं रैंक कम ग्राइंड कर रहा हूँ बिकॉज न्यू गन्स आई हैं, तो मैंने न्यू गन्स की अटैचमेंट्स अनलॉक कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी गेम्स खेलने पड़ती है उसके लिए ऑफलाइन। नहीं हुआ। ओ इसका इफेक्ट बहुत कूल है। तो अभी सेंसिटिविटी का तो इशू मेरा सॉर्ट हो गया है काफ़ी हद तक, बट मुझे नई सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल गन, आई मीन दिस इज सच अ गुड लुकिंग गन। मेरे पास AK-117 की कोई भी अच्छी स्किन नहीं थी, मीन्स ये लीजेंड्री आई है तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्योंकि हॉलीडे सीजन है तो ऑब्वियसली आई एम गोना प्ले लॉट ऑफ गेम्स। सेंटी लगा देते हैं यहाँ पे। EMP सिस्टम इज रेडी। इसका इफेक्ट जो है बहुत कूल है स्काई में। ये तभी यूज़ करूँगा मैं अगर समबडी इन द अपोजिट टीम यूजेस अ वीटल और समथिंग, बिकॉज स्काई में जो भी स्कोर ट्रिक्स होगी, चाहे वो चॉपर हो या वीटल हो, दिस इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट ऑल द UAVs एंड एवरीथिंग। तो बहुत अच्छी स्कोर ट्रिक आई है अभी, मैंने इसको लिया है अभी। बहुत ही ज़्यादा फन टू यूज़ है AK-117 अभी जो अपडेट है उसके बाद, और इसकी लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो दिस कुड बी माई फेवरेट गन, मे बी आई डोंट नो येट। गन शूट कर रहा मुझे, ये बीट्स भी आ रही है, हर्ट बीट आती है इसमें, काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं गेम में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट सिर्फ सेंसिटिविटी का इशू था। सिर्फ सेंसिटिविटी का इशू था मेरे साथ बहुत ज़्यादा इस अपडेट के बाद, जो मैंने काफ़ी सॉर्ट आउट किया है अभी। तो आई एम नाउ प्लेइंग अ लिटिल बेटर, नॉट एज गुड एज द लास्ट टाइम, बट प्रीटी गुड नाउ। क्योंकि मैं हाई सेंसिटिविटी पे खेलता था, तो अभी मेरे को लो करी है मैंने सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं खेल पा रहा हूँ। तो इस सीज़न मैं बहुत ज़्यादा रैंक ग्राइंड नहीं करूँगा, मतलब लीजेंडरी टाइटल लेने के बाद आई विल बी लाइक आई विल चिल एंड आई विल प्रैक्टिस मोर ऑफ दी स्नाइपिंग, बिकॉज जो लीजेंडरी स्नाइपर है DLQ-33, दैट लुक्स सुपर, बहुत अमेजिंग इफेक्ट सीन है। जो डेथ इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम है, ऐसे ही जैसे कि बस्ट होता है वैसे ही है। मैं दो तीन बार मर गया बिना मतलब। ये हार्ट बीट्स हो रही है, और जो ये इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओहो देखो स्नाइपर, रस्ट में अब रैंक में जाने लग गया है, बिकॉज मैं इसमें ज़्यादा गेम्स खेलता नहीं था पहले, तो अब रैंक में जाने लग गया, तो इसमें भी अब खेलेंगे। लेट्स सी, बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक अ स्नाइपिंग लोकेशन है ये, मैं अभी असॉल्ट के साथ ही ट्राई कर रहा हूँ।
है तो यूज कर ही लेते हैं। सही है। ओह नो, आई एम डेड। या गेमर में हम लोग जल्दी कर देते हैं, इसलिए थोड़ी सी अब पेशेंस गेम है, ये रश वाली गेम नहीं है इतनी ज़्यादा। दिस सीजन व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट, दिस इज़ मोर लाइक टू बी एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, पे एडियस है तो आपको किल्स मिलते हैं अच्छे। अगर आप सिर्फ रन एंड गन करते हो तो आपको ज़्यादा किल्स नहीं मिलते, जस्ट डाई, कीप ऑन डाइंग। थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाया है इसको आई थिंक, कि जैसे रियल सोल्जर्स फाइट करते हैं, यू डोंट रश की हाँ स्लाइड जंप कर रहे हैं और भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं रियल सोल्जर्स। दिस इज मोर लाइक दैट नाउ। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसका, जो एक जो अफेक्ट है वो बहुत बहुत ही डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है मुझे। टर्निंग देम इनटू आइस। ओ मेरे को एयर स्ट्राइक विसन मिल गई है, विच इज़ रियली कूल। सेंट्री भी मिल गई है, ये जो ये जो हार्ट बीट का जो आ रहा है ना सेंसर, ये बताता है कि यू आर गोइंग टू डाई इन वन शॉट नाउ। मैं ये स्को स्टिक यूज़ नहीं करता था, बट अभी बहुत अच्छी कर दी है स्को स्टिक। ओ ये क्यों आ रहा है इधर, ये क्यों आ रहा है, there you go. My god, why he was running at me? मुझे जानता हूँ तो पता नहीं, I don't know if he knows me or not. There you go. Wow, जो म्यूजिक आता है ना पीछे, डूम, दैट इज सो कूल। ये देखो ये म्यूजिक आया है, लाइक द ड्रम्स एंड ऑल, ये बेस आता है एकदम ईयर्स में। बस इन्होंने जो मूवमेंट्स है उसको बहुत ज़्यादा नर्फ कर दिया, तो मैं मूवमेंट्स वैसे मूवमेंट्स नहीं रही है बिल्कुल भी अब, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह मेरा टीममेट के बाद ग्लाया भी आ गया, तो नहीं वो मोमेंट्स नर्फ हो गया, तो अभी क्या है कि आई एम नॉट एबल टू प्ले वेरी गुड। ऊपर से सेंसिटिविटी का बहुत इशू रहा है मेरे साथ, बिकॉज एवरी सीजन देर इज़ अ न्यू सेंसिटिविटी। मैं काफ़ी लोगों से पूछ भी रहा था, काफ़ी प्लेयर से पूछ भी रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, डाइड इन लास्ट। ओके सो मैं पूछ भी रहा था, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं उनसे पूछ भी रहा था कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सीज़न, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नर्फ कर दिया है, बहुत कुछ नर्फ कर दिया है, और न्यू सीज़न के साथ न्यू सेंसिटिविटी भी आती है, एवरीथिंग चेंजेस एंड ऑल। सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू प्ले गुड, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्ले बेटर। आई एम बी MVP, ओके। सो दिस गन इज सुपर कूल और बहुत पावरफुल है, और दिस इज द न्यू मॉड विच आई हैव। This means this is the holiday season and I just want to throw all these snowballs at you guys. So enjoy करें अपना holidays को, enjoy करें, new year आने वाला है तो अभी सब लोग enjoy कर रहे हैं, मुझे पता है सब लोग games खेल रहे हैं। मैं अपना time बहुत balance करके चल रहा हूँ, खेलता भी हूँ, family के साथ भी spend करता हूँ, तो exercise भी करता हूँ, तो I got 36 kills in this match and I did 12 times. So thank you for watching and I post some new videos. Love you.